हाउ टू चूज अ गुड लाइफ पार्टनर फॉर योरसेल्फ, क्या क्वालिटीज देखनी चाहिए? बेसिकली ना देखिए, इस क्वेश्चन का कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर नहीं है, क्योंकि हर एक के लिए जो सही लाइफ पार्टनर है उसका मतलब अलग अलग है। मेरे लिए हो सकता है जो सही लाइफ पार्टनर का मतलब हो, वो आपके लिए जो सही लाइफ पार्टनर का मतलब है उससे बिल्कुल ही अलग हो। दैट डिपेंड्स अपॉन योर पर्सनैलिटी, दैट डिपेंड्स अपॉन योर बैकग्राउंड, दैट डिपेंड्स अपॉन हाउ यू सी योर लाइफ इन द फ्यूचर। बेसिकली जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो ये देखना है कि आपके जो कोर जो डिज़ायर्स हैं वो क्या है अपनी लाइफ को लेकर के, आप अपनी लाइफ को कैसे शेप करना चाहते हो, और वो जो पर्सन है जिसके साथ आप पूरी लाइफ के लिए जुड़ने वाले हो उसके जो कोर डिज़ायर्स हैं वो क्या है, कहीं उसमें तो कोई क्लैश नहीं है? अगर उसमें क्लैश हो तो वो लाइफ पार्टनर हो सकता है किसी और के लिए तो बहुत अच्छा हो क्योंकि उनका वो मैच हो रहा हो, लेकिन आपके लिए अच्छा नहीं है। तो दैट नीड्स टू बी अंडरस्टूड कि वहाँ पे अलाइनमेंट बहुत ज़रूरी है, कि जो कोर जो हमारी लाइफ के जो आप कह सकते हो जो सेंटर पॉइंट है हमारी लाइफ का, व्हाट ड्राइव्स यू एज अ पर्सन, व्हाट ड्राइव्स हिम एज अ पर्सन, उसको क्या ड्राइव करता है और आपको क्या ड्राइव करता है, आप अपनी लाइफ को कैसे देखते हो फ्यूचर में, वो कैसे देखता है, क्या वो एक दूसरे के साथ में कॉम्प्लीमेंट्री है या कॉन्ट्राडिक्ट्री है, क्या वहां पर जाकर के आपकी लाइफ और उसकी लाइफ और बेटर हो जाएगी साथ में आकर के, या फिर दोनों की ही लाइफ बहुत खराब हो जाएगी। तो ये देखना बहुत जरूरी है। जैसे आप देखोगे जो एक डॉक्टर, अगर कोई डॉक्टर होता है तो उसका हस्बैंड या उसकी वाइफ भी डॉक्टर ही होती है, ज्यादातर एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस आप देखोगे हस्बैंड वाइफ दोनों डॉक्टर हैं। क्यों? क्योंकि वो एक दूसरे को समझ सकते हैं। डॉक्टर्स का जो अपना एक लाइफस्टाइल होता है, जो एक हेक्टिक शेड्यूल होता है कि कभी भी कॉल आ सकती है मानो सर्जरी के लिए रात को भी, तो हो सकता है कोई बंदा जो उस बैकग्राउंड से ना हो वो इतना अंडरस्टैंडिंग ना हो, लेकिन अगर हस्बैंड या वाइफ वो भी डॉक्टर होगा तो वो समझेगा या वो समझेगी। तो इस चीज को आप ऑब्जर्व करोगे कि वहां पर एक कॉम्प्लीमेंट्री हो जाता है, मतलब दोनों एक दूसरे को समझने लग जाते हैं। वो समझ सकता है कि वो किस सिचुएशन में है, कि उसके साथ एग्जैक्टली क्या हो रहा है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि जो भी आप हो वैसा ही कोई हस्बैंड होना चाहिए, बट इट मस्ट बी कॉम्प्लीमेंट्री, है ना? और कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब सेम नहीं है। कई बार हम ये गलती कर देते हैं, हम समझते हैं कॉम्प्लीमेंट्री मतलब दोनों का सेम पर्सनालिटी टाइप होना चाहिए, फिर तो बहुत बोरिंग हो जाएगा सब कुछ। बल्कि कॉम्प्लीमेंट्री ये भी हो गया कि फॉर एग्जाम्पल कोई पर्सन है वो बहुत ही ज्यादा सोचता है और जो दूसरा पर्सन है वो मस्त रहता है, तो ये भी कॉम्प्लीमेंट्री है। जो बहुत लाइटली लाइफ को लेता होगा वो सीरियसली फ्यूचर को प्लान नहीं कर पाएगा, तो उस एस्पेक्ट को ये संभाल लेगा। जो लाइफ को लेकर के सीरियस होगा, मान लो फाइनेंशियल प्लानिंग को लेकर के बहुत सीरियस होगा, वो फाइनेंसिस को संभाल लेगा। और अगर कोई लाइफ को बहुत ही लाइटली लेता होगा, जो कल के बारे में सोचता ही नहीं होगा, आज में ही मस्त है, तो वो दोनों एक दूसरे के साथ में मिल करके कंप्लीट हो जाएंगे। जो इसकी वीकनेसेस है वो इसकी स्ट्रेंथ्स है, और जो इसकी स्ट्रेंथ्स है वो इसकी वीकनेसेस है, तो दोनों मिल करके पूरे हो गए, मतलब आधे आधे मिले और पूरे हो गए। लेकिन कई बार ऑपोजिट जो होती है ऐसी नेचर, उसकी वजह से झगड़े बढ़ते हैं। झगड़े क्यों बढ़ते हैं वो हमको सोचना पड़ेगा। जो झगड़े होते हैं उन सबकी जड़ क्या होती है कि जो एक दूसरे की जो टेरिटरीज होती है वो प्रॉपरली डिफाइन नहीं करी होती है। तुम्हारा रोल क्या है, मेरा रोल क्या है, अगर वो प्रॉपरली डिफाइंड है एक रिलेशनशिप में तो कभी भी क्लैशेस नहीं होंगे। और अगर वो डिफाइन होने के बाद भी एक पर्सन है वो बहुत ही ज्यादा डोमिनेटिंग है, वो उसकी टेरिटरी में बार बार एंटर करेगा या फिर उसके काम में दखल देगा, तो क्लैशेस होंगे। तो नंबर वन मोस्ट इंपॉर्टेंट है पहले तो एक दूसरे के काम को डिफाइन करना, एक दूसरे के रोल्स को डिफाइन करना कि फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, दिस इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, इफ आई नीड हेल्प इन माई एरिया आई विल कम टू यू, बट यू विल नॉट इंटरफेयर इन माई एरिया ऑफ लाइफ, यू विल नॉट इंटरफेयर इन दैट अननेसेसरली, वो मेरा एक्सपर्टीज है, वो मेरा वो है, मेरे को वहां पे दिमाग लगाने दो। अच्छा ये आपका है, मैं राय दे सकता हूं कि मुझे ये ठीक लगता है, ये गलत लगता है, लेकिन क्या करना है क्या नहीं, दैट्स योर डिसीजन, दैट्स नन ऑफ माई बिजनेस। तो अगर ये डिफाइंड हो जाता है फिर चाहे वो लाइफ पार्टनर है चाहे बिजनेस पार्टनर है, तो क्लैशेज नहीं होते हैं। दोनों एक दूसरे के काम में टांग अड़ाने लग जाते हैं तो क्लैशेज होते हैं। सारे क्लैशेज की जड़ ही यही होती है। नहीं, आई गॉट माई आंसर्स। ये दो जगह पे मैं इतनी स्टक हो गई थी कि मुझे था कि नहीं मुझे पर्सनली पूछना है, और मेरा ड्रीम था कि मैं इंडिया आऊंगी और मैं आपसे मिलूंगी और आपके किसी सेशन में जाऊंगी, बट कोविड की वजह से देखो बैठे बिठाए हमें चांस मिल गया।
Exactly. जितने भी हम अब्रॉड में रहते हैं, we are feeling so lucky right now to talk to you. No, it's my pleasure. मेरे को भी बड़ा अच्छा लग रहा है, क्योंकि मेरा honestly मेरा जो मन था वो था कि मेरे को एक world tour करना है. तो ये मेरा एक virtual world tour हो रहा है. मतलब मैं एक एक करके वर्चुअल वर्ल्ड टूर मेरा चल रहा है. मैं एक एक करके वर्ल्ड के जितने भी अलग अलग कंट्रीज हैं, अलग अलग लोग हैं, उन सबसे कनेक्ट करता चला जा रहा हूँ. एंड आई एम फीलिंग सो गुड, क्योंकि हर एक का पर्सपेक्टिव अलग है. जैसे मैं आज आपसे बात कर रहा हूँ, आपका पर्सपेक्टिव अलग है लाइफ को देखने का. किसी ऐसे से बात कर रहा हूँ जो कि US में है, जर्मनी में है, या यूरोप में है, कहीं पर भी, तो उनका एक अलग पर्सपेक्टिव है. तो मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है. मुझे ऑनेस्टली बड़ा मजा आ रहा है ये सेशंस करके. तो कहते हैं ना कि कुछ बुरा होता है तो कुछ अच्छा भी होता है, कि एक तरफ से कोविड हुआ, अच्छा बहुत बुरा हुआ, लेकिन कुछ अच्छा भी हुआ, क्योंकि अगर वो नहीं होता तो शायद मैं कभी भी इस तरह से इंटरेक्ट करने के बारे में सोचता ही नहीं. तो अभी ये इंटरेक्शन हो पा रहा है पॉसिबल. आप ऑस्ट्रेलिया में हो, मैं इंडिया में हूँ, और इंटरेक्शन हो पा रहा है बिकॉज ऑफ कोविड. मैं तो समझ नहीं, आई एम जस्ट फीलिंग दैट आई एम द लकीस्ट पर्सन ऑन दिस अर्थ टुडे. और इतना टच्ड हूं मैं आपकी वीडियो से. मैं ट्रैवल करती हूँ, मेरा 40 मिनट्स का ड्राइव होता है, तो आपकी वीडियोस ऑन करके ड्राइव स्टार्ट होती है, और वापसी में आपकी वीडियोस ऑन करके ही ड्राइव मेरी स्टार्ट होती है. तो मेरा 40 मिनट्स के रोज में मैं आपकी शायद 321 वीडियोस है शायद आपकी चैनल पे, तो, और मैं वो सारी रिपीटेटिव देखती रहती हूँ. तो आप बोर नहीं हो जाते मेरे को सुन सुन करके? नहीं बिल्कुल भी नहीं. नहीं, जब 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 किसी से प्यार करते हैं ना, उसे बोर नहीं हो सकते ना. अरे वेरी नाइस, सो गुड. So we all love you. I think there's a lot of people like me. We love you, and then we can't be bored with your videos or whatever you say. So, मतलब एक इतना अलग पर्सपेक्टिव है. मैं बचपन से लेके अब तक मैं बहुत वीडियोस देखी हैं, मैंने बहुत बुक्स पढ़ी हैं. मैं बुक रीडिंग मेरा बहुत शौक है, मैंने कोई बुक नहीं छोड़ी होगी. पर जिस एंगल से आप लाइफ को देख के बताते हो ना, वो इतना प्रैक्टिकल है कि वो सीधे दिमाग में जाता है और सीधे अपना लाइफ में आ जाता है. ऐसा होता है. सो गुड टू नो दैट. प्लेजर टॉकिंग टू यू. थैंक यू सो मच. वी लव यू. थैंक यू. सेम हियर. थैंक्स. बाय.